नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ऐसे क्या काम करें कि जो हमारा गुलाब का पौधा है वो फूलों से भर जाए और उन पे फूल का साइज़ भी अच्छा अच्छा है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, गुलाब का एक ऐसा पौधा है जो हर किसी को पसंद है और हर कोई इसे अपने घर में लगाना चाहता है और लगाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें फूल पाने के लिए कुछ ज़रूरी काम करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे तो आप देख रहे हैं मेरे गुलाब के पौधे पर फूल आ रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वैसे फूल नहीं है जो इनका साइज़ होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें ऐसे फूल नहीं चाहिए, हमें इसका फुल साइज़ और इसको अच्छे क्वांटिटी में लगने चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी सितंबर का महीना चल रहा है और आज तारीख है 22। आप देख सकते हैं मेरा गुलाब का पौधा ग्रोथ तो ले रहा है, लेकिन हमें इस तरह की ग्रोथ नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा पूरा पौधा कितना बड़ा हो चुका है और घना है। तो दोस्तों, इसमें हमें पूरे पे फ्लावरिंग पाने के लिए हमें इसको प्रून करना पड़ेगा। दोस्तों, प्रून करने के लिए आप इस तरीके से कटर ले सकते हैं, नहीं तो आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपका जो कटर है और कैंची है उसकी तेज़ धार होनी चाहिए। और दोस्तों, गुलाब के पौधों को कट करने के लिए आप उससे पहले अपने टूल को सैनिटाइज कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके टूल पे अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा और आप इसको काट देंगे तो दोस्तों आपके बैक्टीरिया लग सकता है, जिसके कारण गुलाब के पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम आपने देखी होगी, वो आ जाती है। एक स्टेम से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरा प्लांट को डेड कर देता है। तो दोस्तों, उससे बचने के लिए आप अपने टूल को सैनिटाइज जरूर करें। आपके घर में सैनिटाइज तो होगा ही, आप उससे कर सकते हैं। मैं अपने टूल को सैनिटाइज कर लेता हूँ। मैंने अपने टूल को सैनिटाइज कर लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं इसको पूरी तरीके से प्रून कर दूंगा। आप चाहे तो इसको हार्ड प्रून भी कर सकते हैं, सेमी वुड कट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसको एकदम इक्वल कर दूंगा। जब ये ग्रोथ लेगा तो आप देखोगे ये पूरा अच्छे से हर 10 ईयर्स की ग्रोथ लेंगी और अच्छी लगेगा। दोस्तों, ये फ्लावरिंग सर्दियों में करता है, हमें उससे तैयार करने के लिए कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। तो अभी सितंबर चल रहा है, जब तक इसका मौसम आता है नवंबर तक ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। और आप इस पे मैं आपको इस पे फ्लावरिंग शेयर करूँगा, आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, गुलाब में कई वैरायटी आती है, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी हैं। मेरे पास गुलाब में पिंक, रेड, येलो, वाइट, क्रीम कलर, मेहरूम, मेरे पास इनके बहुत सारे कलर हैं। दोस्तों, अगर मैं गुलाब में बात करूँ तो दोस्तों गुलाब में आपको हमेशा अपने गार्डन में कोशिश करिए कि आप देसी गुलाब लगाएं। क्योंकि देसी गुलाब दोस्तों ऐसा होता है कि आप ही गर्मियों में आसानी से झेल जाता है और ये आपके इस गार्डन में हमेशा रहता है। और जो हमारे ग्राफ्टेड वैरायटी आती हैं इंग्लिश गुलाब, दोस्तों वो सर्दियों में तो अच्छी चलती है, लेकिन उसको गर्मी में हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ज़्यादातर हमारे प्लांट डेड ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आप देसी गुलाब अपने गार्डन में जरूर लगाइए। और आप दोस्तों नोटिस भी करेंगे कि इंग्लिश गुलाब में खुशबू कम आती है और देसी गुलाब में खुशबू बहुत तेज आती है।
दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो हमारे आप देखेंगे गुलाब में फूल तो खिल रहे हैं, जिसके कारण हमारा मन नहीं करता काटने का, लेकिन आप इसका लालच ना करें, आप इसका जरूर काट दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में इससे अच्छा बड़ा फ्लावर और कलर में भी फुल और साइज़ में भी अच्छा मिलेगा और आपको फूल की क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर काटिए। आप अभी फूलों का लालच करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों इसको मैंने कट कर दिया है, सेमी वुड कट मैंने इसको कर दिया है। अब जितनी भी कटिंग हुई है दोस्तों, तो आप कोशिश करिए कि आप इस पे फंगीसाइड का पाउडर घोल बना के आप इन सब पे लगा दें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों आप इस पे हल्दी भी लगा सकते हैं, मोम भी लगा सकते हैं। इसको ऊपर ना छोड़े, अगर इस पे कोई इंसेक्ट इस पे बैठ गया तो इस पे डंक मर जाएगा, जिसके कारण आपका पौधा बीमार हो सकता है, उस पे डाईबैक की प्रॉब्लम या फंगस लग सकता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसकी कितनी सारी कटिंग कर दी है। आप भी लालच ना करें, आप इसको अभी कट कर देंगे तो आने वाले 2 महीने में आप इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें एक काम और करना होता है, आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। मैं इसकी जल्दी जल्दी से गुड़ाई कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपके पोर्ट में मिट्टी कम है तो आप उसमें और मिट्टी और खाद मिलाकर आपस में डाल सकते हैं। अगर अगर आपके पोर्ट में जगह नहीं है तो दोस्तों आप ही उसकी पोर्ट से ही मिट्टी थोड़ी खोद के बाहर निकाल लीजिए। आप जब इसमें काम कर रहे थे बड़े सेफली करिए, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं जो आपको लग सकते हैं। मैं इसमें खुरपी से गुड़ाई कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें ऊपर की जितने जाले थे वो सारे बाहर निकल गए हैं। अब इसमें आप नई रूट्स निकलेंगी जो कि इसके लिए अच्छा काम करेंगी। दोस्तों हमारे गुलाब का पौधा हैवी फीडर होता है, इसको अच्छी खाद चाहिए। इसके लिए
एसिडिक थोड़ी सॉइल ये पसंद करता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको रेडी करने के लिए मिश्रण बता रहा हूँ, आप वो देखिए। तो दोस्तों आपको पौधा फ्लावरिंग के लिए, पौधा रेडी करने के लिए दोस्तों आप इसमें, आप जब आप इसकी कटिंग कर दें और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। ये मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। ये आपके उसमें नाइट्रोजन का काम करेगा। आप इसमें 1 मुट्ठी नीम की खली मिला लें। दोस्तों गुलाब के पौधे को और आप इसमें 1 मुट्ठी बोन मील मिला लें। ये दोस्तों बोन मील कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और इसको हैवी फ्लावरिंग करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो आप इसमें एक मुट्ठी बोन मील मिला लें। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो दोस्तों आप इसकी जगह रॉक फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट जो इस तरह दानेदार फॉर्म में आता है, ये आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए और भी मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट ऐड करें। ये मेरे पास ग्रेन्यूल फॉर्म में है। आप चाहे तो, आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी सीवीड एक्सट्रैक्ट है, मैं ये डाल रहा हूँ। इसमें सारे आपके मल्टीविटामिन विटामिन सब हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब हैं। दोस्तों जो आप ये सारे फर्टिलाइजर देख रहे हैं, ये सारे आपके ऑर्गेनिक हैं। दोस्तों ये सारे फर्टिलाइजर्स स्लो रिलीज हैं, ये आपके प्लांट्स को धीरे धीरे मिलता रहेगा और आपका प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करता रहेगा। जब तक इसके फ्लावरिंग का टाइम आएगा, ये प्लांट सारा इसको ऑब्जर्व कर चुका होगा। दोस्तों अभी हमने प्रून किया है, तो इसके लिए मैं, आप इसमें अगर आपके पास DAP है तो दोस्तों आप 2 4 दाने इसमें DAP डाल सकते हैं। DAP दोस्तों जल्दी रिलीज फर्टिलाइजर है, ये केमिकल है। ये 2 दिन में ही आपके प्लांट्स को मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है और इसमें फास्फोरस है, जिससे नाइट्रोजन से दोस्तों आपका पौधों को मिलने के बाद ये थोड़ा ग्रोथ लेना जल्दी शुरू कर देगा और फास्फोरस के कारण इसकी जड़ों का विकास होगा, नई नई रूट्स निकलेंगी। तो दोस्तों ये मिक्सचर रेडी करने के बाद आप अपने प्लांट्स को दे दीजिए। तो दोस्तों मैंने ये मिक्सचर रेडी करके अपने गुलाब के पौधों को दे दिया है। आप ये मिक्सचर अपने और भी गुड़ैल के पौधों को भी दे सकते हैं। आप दोस्तों इसमें आप वाटरिंग कर दीजिए। एक बात का और ध्यान रखिए दोस्तों, आप जब भी अपने प्लांट्स में जब भी खाद दें तो उससे पहले आपने मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखिए। फ्रेंड्स जो हमने ये कटिंग करी है, आप चाहो तो इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हो। आप इसमें से इस तरीके से मोटी मोटी स्टेम निकाल के आप कटिंग लगा दीजिए, आपकी कटिंग लग जाएगी। ये मौसम कटिंग के लिए सही है। तो दोस्तों इससे हमारे 2 फायदे हुए, हमारा प्लांट भी रेडी हो गया और हम इसमें से कटिंग भी लगा लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।